गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह के 8 बजे का टाइम, और आज मैं सो के उठी बहुत ज़्यादा देर से, और देखिए अभी भी बिस्तर में है सब। मतलब सब उठ चुके हैं, चाय भी पी चुके हैं, उन्होंने चाय भी बना के पिला दी, और परी विराट भी यहीं पे बैठे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बस अभी अभी उठे हैं, और अभी कहीं आज कहीं जाना भी है, तो चलिए उठते हैं और जाते हैं, थोड़ा सा काम वगैरह करते हैं और नहा धो के फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। माँ रेडी हो रही है। अब देखते हैं कौन, अब देखते हैं कौन कितनी देर शांत रहेगा। हम शांत रहेंगे, बताइए। मम्मा शांत नहीं रह पाएंगी। 24 घंटे का नहीं, 24 घंटे का मम्मा नहीं रह पाएंगे। मम्मा नहीं रह पाएंगे। नहीं, हमको नहीं चाहिए। हम 5000 से नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक अपने आप ऑन हो जाता है। ये 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड में ले रही ना, खुले हैं दोनों, चिपन तो नहीं चाहिए बस। आज हम बोलेंगे ठीक, और हमको कोई कोचना नहीं फालतू में। हाँ, अब हमको कोचनी जरूरती नहीं। सुनिए, ये काम कोचनी 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 जरूरती नहीं। मम्मा आप चिल करिए, फिर आपको स्विच ऑन हो गया था। बोला होगा नहीं, मम्मा बोले नहीं कि तुम लोगों ने कोचा था। नहीं कोचना नहीं, नहीं कोचनी जरूरती नहीं है। ये बोल बोल के वो कह लेंगे, अब कोई ना नहीं है, हम देखना शांत रहेंगे। अब कोई ना नहीं है, नहीं हम बोलेंगे नहीं। देखा देखा है, ऑलरेडी स्विच ऑन है। बोल के हल्का कर लिया पेट। चलो हमारी अरे छोड़ो, 5 मिनट रुक भैया। फ्रेंड्स यहाँ पे हो गए हैं रेडी, और अभी देखिए टाइम हो रहा है 10 बजे का। ये देखिए 10 बज रहा है, और हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो ये देखिए ये है पैकेट, और इसके अंदर क्या है यही हम लोग आज बांटने जा रहे हैं। मतलब कोई किसी पे एहसान नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये हमने खुद माना था कि कुछ मतलब मेरा जब YouTube से कुछ भी पैसा आएगा तो हम बांटेंगे, तो बस वही है। तो इसके अंदर क्या है अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसके अंदर है शॉल, और ये देखिए इस तरह से इसमें है कई सारी शॉले, तो ये ही हमें बांटनी थी क्योंकि ठंड का समय चल रहा है, और हम लोग अभी परसों वाले दिन गए थे तो बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग दिखे थे जो एकदम ठंड में ठिठुर रहे थे, तो बस तभी मन में आया कि ये हमें देना है। तो कल समय नहीं मिल पाया जाने का, तो आज हम लोग जा रहे हैं, और आज काफी ठंड है, मौसम बहुत खराब है, बाहर चल के आपको दिखाते हैं। बाबू अरे चलो यार, अरे चलो भाई। अच्छा मम्मा देख ले, मम्मा आ दो। मम्मा कहाँ है? किस वाले टाइम की आपको? पीएनबी। आ जाओ भाई, सब लोग चलते हैं फिर। विराट क्या हो रहा भाई? चलो उसका शर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको बटन से तो बदल लो। टी शर्ट पहन लेते हैं, आज मैं लॉक कर दूँ। मेरा एटीएम खो चुका है। हुआ है वो अभी नहीं? हाँ नहीं मिला ना। चाहिए पेन? होगा पड़ा पक्का। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे रेडी हैं, और दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम कि आज कितना ज्यादा ठंडा हो रहा है। बैक करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए मौसम कुछ इस तरह से हो रहा है, और अभी काफी धुंध जैसी हो रही है ये देखिए, और हवा कितनी तेज चल रही है। ये देखो बाहर का मौसम, बिल्कुल भी धूप दूर दूर तक नहीं दिख रही है, मतलब आकाश में ना काफी धुंध जैसा हो रहा है। तो चलिए चलते हैं बाहर। बेटू बंद कर दो, ये लोहे वाला गेट बंद करना, आप भूल जाते हो। चलिए
गाड़ी में भी बंद करो, घर में तो फोन हर समय फोन। हाय, आप कुछ कहते नहीं हो ना, तभी तो दिन भर उसका फोन चलता है। कौन कौन खाएगा? मैं भी। हम तो नहीं खाएंगे, मेरे पेट में दर्द हो रहा। आप खाओगे ना बेटू? आपके टीथ ठीक है? मैं भी खाऊंगा। आप भी खाओगे? चलो ठीक है, सब लोग खाओ। डाटा लगवा ले फटाफट। और यहाँ से नन्ना घर जाओगे कि घर चलोगे? नन्ना घर जाएंगे, शांत रुकना पड़ेगा। जैसा आपका मन। ये बुल्लू से मिलना है, मजा लेना है। ब्रेटो आपको मिल गया? ये अच्छा लगता है ना, हेल्दी फूड। तो बच्चे खा रहे हैं, वहाँ से हम लोग लौट आए और हम लोग ना अभी जिस काम से गए थे वो काम हो नहीं पाया है क्योंकि कोई मिला ही नहीं आज हम लोग को। तो अभी कुछ देर में ये ही जाएंगे और देना तो है ही है क्योंकि खरीदा है उनके लिए उनके नाम से, और माता रानी की कृपा से हम इस लाइक बन पाए हैं कि हम दे सकें, तो इस वजह से देना है ही। तो दूंगी हर हाल में आज, और मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि अब इस समय मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और ये अभी जाएंगे और जब बांट के लौटेंगे तो उसके बाद मैं जाऊंगी उस डॉक्टर के पास चेकअप कराने, क्योंकि इधर 2-3 दिन हो गए हैं और रुक रुक के पेट में दर्द हो रहा है। तो चलिए खा लेते हैं और फिर डायरेक्ट निकलते हैं फिर घर के लिए। माठा हम सोचे थे, माठा नहीं आया आज आप लोग का? हाँ, मैं माठे में मजा नहीं आता मुझे, अच्छा नहीं लग रहा था ना। विराट आपको मिल गया? हाँ जी। ये काम ठीक करा, पैसा देने से अच्छा है पेट भर जाए वो ज्यादा अच्छा है। बस हाँ हाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग रास्ते में थे तभी पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने बताया था कि अभी डॉक्टर के पास जाऊँगे। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे और काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ पे और दर्द ज़्यादा ही बढ़ गया था। उसके बाद फिर वहाँ से लौटे तो मम्मी घर चले गए, तो फिर शाम को मतलब नहीं घर लौट पाए थे। और ये बोलिए कि रात में वही 8-9 बजे लौटे थे, खाना पीना सब मम्मी घर से खा पी के। तो इस वजह से कल फिर वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक थी, और जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो फिर अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगता कि कुछ करे या क्या करे क्या ना करे, तो इसलिए बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। और अंदर से ना सुबह से पेन होते होते काफ़ी वीकनेस सी भी लग रही थी, तो मैंने नहीं किया। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग तो पूरा करना ही है और आप लोग को बताना भी है, इस वजह से मैं ये दूसरे दिन शूट कर रही हूँ वीडियो। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है अभी 10:15 हो रहा है। तो कल डॉक्टर के पास चेकअप कराया तो उसकी रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, लेकिन हाँ डॉक्टर ने अपने अंदाजन बताया है उन्होंने काफ़ी, क्योंकि हम लोग के फैमिली क्लोज डॉक्टर है वो, तो उन्होंने रिपोर्ट तो बोल रहे थे 1-2 दिन में मिलेगी, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से बताया है कि मतलब पेट में लग रहा है कि अल्सर हो गया है और काफ़ी ज़्यादा हो गया। उन्होंने यही बोला कि इतना रिस्क कैसा ले लेते हो कि इतना दर्द हो रहा था दिखाया नहीं अभी तक। तो बस यही है कि घर की कुछ चीज़ें होती है ना जिसकी वजह से हम अपने दिक्कतों को भूल जाते हैं। फिलहाल ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि अगर ये शरीर है तो ही आगे हम कुछ कर पाएंगे, शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मुझसे मतलब गलती हो गई कि मैंने इनको भी नहीं बताया, और जब बताया तो चेकअप कराया तो शायद बहुत पहले बताना चाहिए था जिससे कि रिलीफ होता। उन्होंने कुछ मेडिसिन भी दी जिसको मैंने खाया तो काफ़ी आराम भी मिला है, और अभी रिपोर्ट आएगी तब देखते हैं मेनली अल्सर ही है या कुछ और है। और जो कि मतलब एक शॉक सा भी लगा क्योंकि जिस तरह से पेट में दर्द हो रहा था तो हम लोग को लग रहा था कि शायद कुछ और ही बात है और शायद कोई खुशखबरी वाली बात हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला हाल हो गया है यहाँ पे, कि यही रीज़न था जो मैं किसी को बता भी नहीं रही थी कि कहीं ऐसा ना हो। और
वही चीज है ना कि खुदा पहाड़ निकली चूहिया, सोचा क्या था और हो क्या गया। तो फिलहाल मैंने कहा कि चलो आप लोग के संग तो शेयर करना ही है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, मेरी ऑडियंस हो, जो मुझे देखते हो, सुनते हो और समझते भी हो। इस वजह से आप लोग के संग हर चीज छोटी छोटी बड़ी से बड़ी मैं शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए यहीं पे कर देते हैं ब्लॉग का एंड। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्लीज सपोर्ट कीजिए, अपना अपना प्यार बना के रखिए मेरे साथ। और शायद बहुत से लोगों को मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन भी नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से मतलब बहुत ही कम ऑडियंस मेरे वीडियोस पे आ रही है, पहले की अपेक्षा बहुत कम आ रही है। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। माता रानी आपको बहुत खुशियाँ दे, हमेशा खुश रखें।